तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ वंडर शेयर फिल्मोरा 9 का फुल कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे बेसिक से एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग किस तरह की जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रो अप टेक। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ग्रो अप टेक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिल्मोरा 9 के सब पार्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्मोरा में हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, जिनको हम यूज करके हमारी वीडियो को एडिट करते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी कि इनको हम टूल्स भी कह सकते हैं, और इधर हमारी फाइल्स आ जाएंगी जो कि हम हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो हम इधर इंपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा हम जो वीडियो एडिट कर रहे हैं उसका प्रीव्यू हमारे पास इस ब्लैक स्क्रीन पर आएगा, और इसके अलावा हमारी फाइनल वीडियो में कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, वो हमने इधर इस टाइमलाइन में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें एक वीडियो ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इधर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करता हूं, और इसके अलावा आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करता हूं, और इधर से आप जिस फोल्डर में से अपनी वीडियो को ऐड करना चाहते हैं उधर से आप अपनी वीडियो को इजिली चूज कर सकते हैं। तो मैं इधर से लोकल डिस्क डी में से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इस वीडियो को वंडरशेयर फिल्मोरा में ऐड करता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने सिंपल इस पर इस तरह क्लिक करना है, और इधर से हमने ड्रैग करके इधर हमारी टाइमलाइन में इसको ऐड कर देना है। और इसके अलावा अगर आप इस तरह ऐड नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर इधर से डिलीट करूँ, और इधर से अगर आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आपकी वीडियो इधर ऐड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इधर हमारे पास इस वीडियो के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। जो हमारे पास ऊपर पार्ट चल रहा है उसमें हमारे पास हमारी वीडियो नजर आ रही है, और जो नीचे हमारे पास पार्ट चल रहा है उसमें हमारे पास ऑडियो नजर आ रही है। अगर हमने इसको डिफरेंट करना है कि हम ऑडियो को थोड़ा सा एडिट करना चाहते हैं या हम ऑडियो को कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने इधर राइट क्लिक करना है, और इधर से आपने डिटैच ऑडियो पर क्लिक करना है, और इधर से आपकी ऑडियो सेपरेट हो जाएगी आपकी वीडियो से। तो इधर से आप इसको सिंपल डिलीट बटन को क्लिक करके इधर से इस तरह डिलीट कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड से इसको दोबारा इस तरह वापस लेकर आ सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने अपनी वीडियो में से किसी पार्ट को डिलीट करना है, तो इसके लिए आपने इस कैंची वाले आइकॉन पर इस तरह क्लिक करना है, तो ये आपकी वीडियो इधर से इस तरह कट हो जाएगी। अगर आप इस पार्ट को इधर से कम्प्लीट डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन दबा देना है। और इसके अलावा आप इसमें से कोई छोटा सा पार्ट डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से इतना पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ, तो आपने इतने पार्ट को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है या आपने कंट्रोल बी प्रेस करना है। तो ये आपके पास इस तरह आपकी वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जहाँ से आप इसको इस तरह इजीली डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इधर से अपनी वीडियो में से किसी क्लिप को ओनली डिलीट कर सकते हैं, आपकी ऑडियो वैसे ही रहेगी, और इसको आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम इधर से हमारे इन टूल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इनमें से हमारे पास सबसे पहले ऑडियो आ जाती है, जहाँ पर आपको कुछ ऑडियो वंडरशेयर फिल्मोरा में ऑलरेडी मिल जाती हैं, जिनको आपने सिंपल इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, तो वो आपके पास इस तरह ऐड हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप इस पर इस तरह डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह प्ले हो जाएगी। और इसी तरह ये हमारे पास इधर कुछ ऑडियो आपको देखने को मिलेंगी जो आपके पास आपके वंडरशेयर फिल्मोरा में ऑलरेडी ऐड नहीं है, उनके लिए आपको इधर से डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके इनको ऐड करना होता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टाइटल्स, जहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के टाइटल्स आ जाते हैं जिनको आप इधर से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस टाइटल को इधर से सिंपल इस तरह ऐड करें, और इधर से हम इसकी वॉइस को टर्न ऑफ कर देते हैं, और इधर से अगर हम इसको सिंपल प्ले करें, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास टाइटल इस तरह सिंपल प्ले हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप अपने टाइटल्स को ओनली देखना चाहते हैं, आप वीडियो को नहीं देखना चाहते, तो आपने सिंपल इस आई बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो कंप्लीट हाइड हो जाएगी और आपका टाइटल ओनली इधर डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इधर से आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका टाइटल किस तरह का आ रहा है। अगर आपने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो आपने सिंपल अपने टाइटल पर डबल क्लिक करना है, तो आपके पास इधर टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ये इधर कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं, और इधर हम हमारी मर्जी से कुछ टेक्स्ट जो हम ऐड करना चाहते हैं वो हम इधर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इधर ऐड करते हैं ग्रो अप टेक्स्ट, तो ये हमारे पास इस तरह ऐड हो जाएगा। और इधर से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इस तरह, और इधर से हम इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने मैक्सिमम साइज इधर से लिया हुआ है और आप इससे भी मैक्सिमम साइज रखना चाहते हैं, तो आपने सिंपल इधर से अपनी मर्जी से कीबोर्ड में से जितना आप साइज रखना चाहते हैं वो इजीली रख सकते हैं। और इधर से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, और इधर से आप इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप इधर एडवांस्ड पर क्लिक करें तो इधर आपके पास आपका टाइटल एडिट करने के लिए और भी बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर से, तो फ्रेंड्स इधर हमारे पास ये टाइटल्स की टाइमलाइन है जहाँ से आप टाइटल को अपेयर करवाना चाहते हैं उसको आप इजीली इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर इस टेक्स्ट को इधर से एडिट करना चाहते हैं तो आप इधर से इसको इस तरह एडिट कर सकते हैं और इधर से आप इसकी अलाइनमेंट को इस तरह सेट कर सकते हैं। तो मैं इधर से कंट्रोल जी करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे पास इधर जहाँ से आप इसको टेक्स्ट में ओनली रख सकते हैं, इसके अलावा ग्रेडियंट में रख सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास इधर एक ही कलर में ये हमारे पास इस तरह हमारा टाइटल शो होगा। और इसके अलावा अगर हम इसको ग्रेडियंट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से टाइप इसकी इधर से ग्रेडियंट फिल कर दें तो इधर हमारे पास टू कलर्स आ जाते हैं जहाँ से अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हाफ इस तरह हमारे टाइटल का कलर चेंज हो जाएगा। और अगर हम इधर से कलर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह सेकंड हाफ का कलर चेंज हो जाएगा। और इधर से आप इसकी ऑप्टिसिटी को हमारे टेक्स्ट की इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इधर से अगर आप ब्लर करना चाहें तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। और इधर से आप अपने ग्रेडियंट का एंगल सेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने बॉर्डर अपने टेक्स्ट पर ऐड करना है तो वो आप इधर से इस तरह ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट पर एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल इधर एनिमेशन पर क्लिक करना है और इधर से इस तरह आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आपका एनिमेशन का एक प्रीव्यू आ जाएगा। और इसी के साथ ये हमारे पास इस तरह हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक और हमारे पास इस तरह बार आ जाएगी जहाँ से आप इसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन को इस तरह सेट कर सकते हैं कि आप अपने एनिमेशन को कितनी देर तक इस तरह चलाना चाहते हैं। और इधर आपने सिंपल ओके पर क्लिक करना है, इसके बाद आपका टाइटल इस तरह एडिट हो जाएगा। और इसके बाद आपने सिंपल इधर ओके पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारे पास इधर और भी बहुत सारे टाइटल आ जाते हैं जो कि आप इधर से इस डाउनलोड वाले आइकॉन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से हमारी वीडियो को दोबारा अपेयर करें, अगर हमने इन ट्रांजैक्शन को ऐड करना है तो हम इस तरह इसके स्टार्ट और एंड पर इस तरह सिंपल ड्रैग करके ऐड कर सकते हैं। और अब अगर हम इसको इधर से प्ले करें तो ये हमारे पास हमारी वीडियो इस तरह प्ले होगी। और इसी तरह अगर आप इसको अपने वीडियो पर ऐड नहीं करना चाहते, आप सिंपल इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपने सिंपल इस पर इस तरह डबल क्लिक करना है तो ये आपके पास इस तरह आपका प्रीव्यू शो हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स। तो इधर से आप इन इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर इस तरह डबल क्लिक करें तो ये आपके पास इफेक्ट इस तरह शो होगा और ये हमारे पास इस तरह शो होगा। तो इधर से आप इसको सिंपल डबल क्लिक करके अपने इफेक्ट्स देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स। तो अगर हम इधर एलिमेंट्स पर क्लिक करें तो इधर हमारे पास ये ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इधर से मैं फॉर एग्जांपल इस एरोप्लेन को इधर ऐड करता हूँ और इसके बाद मैं इस वीडियो को इधर से हाइड कर देता हूँ। और अगर हम इधर से दोबारा इसको प्ले करें तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह ये प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपनी वीडियो को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्प्लिट स्क्रीन, जो कि हमारी स्क्रीन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से इसको चूज करें तो ये हमारे पास इस तरह हमारी वीडियो इन दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी ऑडियो को एडिट करना है तो आपने इस पर सिंपल डबल क्लिक करना है तो आपके पास इधर आपकी ऑडियो आ जाएगी। यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि आप अपनी वीडियो का वॉल्यूम कितना मैक्सिमम रखना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इधर से अपने ऑडियो को राइट और लेफ्ट को एडिट कर सकते हैं, जहाँ से अगर आप इसको राइट की तरफ इस तरह लेकर आएंगे तो आपके पास जो आपके हैंड फ्री होगी उसका ओनली राइट जो पार्ट है वो आपके पास ज़्यादा वर्क करेगा। और इसी तरह अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे तो आपकी जो हैंड फ्री की लेफ्ट साइड है वो आपके पास ज़्यादा वर्क करेगी और जो राइट साइड है वो आपके पास वर्क नहीं करेगी। और इधर से आप अपनी वीडियो को फेड इन और फेड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपनी वीडियो को फेड इन और फेड आउट करना है तो आप सिंपल इधर से फेड इन और फेड आउट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट आपकी वीडियो स्लो चलना स्टार्ट होगी और उसके बाद आपकी वीडियो का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। और इधर से अगर हमारे इस टाइमलाइन की ऑडियो को ऑन करें और इसके बाद हम स्पेस के बटन से इसको प्ले करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो भी ग्रीन स्क्रीन के साथ। आप देख सकते हैं हमारे पास ये इस तरह सिंपल हमारी ऑडियो प्ले हुई है। और इसके अलावा अगर आपने इस पर फेड इन इस तरह ऐड किया है और इसके बाद अगर आप इसको प्ले करें
आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो भी ग्रीन स्क्रीन के साथ और विदाउट किसी ग्रीन स्क्रीन के। तो फ्रेंड्स, ये आपने सुना हमारी ऑडियो इसमें ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही है, और इसी तरह आप फेड आउट को अपने वीडियो के एंड पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इधर से स्क्रॉल डाउन करें और इधर से अगर हम फेड आउट को ऐड करें, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह फेड आउट ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा आप इधर से इस ऑप्शन को क्लिक करके इधर से इस तरह भी फेड आउट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पिच, जिसे आप अपनी वॉइस की पिच को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इधर से अपने वॉइस की पिच थोड़ी सी डिक्रीज करें और इसके बाद प्ले करें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो भी ग्रीन स्क्रीन के। तो ये हमारे पास इस तरह प्ले होगी, और अगर हम इधर से हमारी वॉइस की पिच को इंक्रीज कर दें और इसके बाद इसको दोबारा प्ले करें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी वीडियो का, तो ये हमारे पास इस तरह प्ले होगी। और इसके अलावा आप इधर से अपनी ऑडियो का इक्वलाइजर भी कर सकते हैं कि आपने इसकी बेस किस तरह रखनी है, आपने इसको क्लासिक रखना है, डांस इक्वलाइजर इसका रखना है, लो बेस रखना है, पॉप रखना है, किस तरह रखना है, वो आप सारा इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इधर से कस्टम में जाकर इधर से मोर डीपली अपने ऑडियो को चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर से अगर हम मजीद स्क्रॉल डाउन करें, तो इधर हमारे पास आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड नॉइस। अगर आपके ऑडियो के बैकग्राउंड पर नॉइस आ रही है, तो उसको आप कुछ हद तक इस टूल के जरिए कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल इधर क्लिक करना है, तो इधर आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ से आप बता सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल किस हद तक करना चाहते हैं। वीक आपके ऑडियो में वॉइस आ रही है, मिड आ रही है, स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो आप इधर से डिफरेंट इस तरह ऑप्शंस को क्लिक करके अपनी ऑडियो की नॉइस को खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपने इधर से सिंपल फाइल में जाना है, और इधर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड मीडिया। तो ये इधर आपके पास आ जाएगा रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, तो इधर से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम पर क्लिक करेंगे, तो इधर से आपका लैपटॉप का कैमरा ऑन हो जाएगा, और इधर से आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इधर रिकॉर्ड वॉइस ओवर पर क्लिक करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप अपनी वीडियो की सेटिंग करना चाहते हैं कि आप उसको किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, 3GB रखना चाहते हैं, MP4 रखना चाह रहे हैं, 4K रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने इधर से सिंपल फाइल में जाना है। तो इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो इधर आप इसकी रेशियो बता सकते हैं कि आप इसको किस रेशियो में रखना चाहते हैं। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे पास वाइड स्क्रीन है 16:9, और इसके अलावा हमारे पास इधर डिफरेंट रेशियोज हैं, जो कि आप अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इधर से चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इधर आ जाती है रेजोल्यूशन, जो कि हमने चूज की हुई है इधर से फुल HD। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास इधर इसकी रेजोल्यूशन की टाइप्स आ जाती हैं, जहाँ पर हमारे पास HD है, फुल HD है, 4K UHD है, और इसके अलावा हमारे पास DCI 4K है। और इसके अलावा हमारे पास इधर आ जाता है फ्रेम रेट, जो कि आपके वीडियो को और भी ज्यादा रिलायबल बनाता है और आपकी वीडियो पर पॉजिटिव इफेक्ट करता है आपके फ्रेम रेट को स्क्रॉल करवाने में। तो इधर से आप अपने फ्रेम रेट को इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने सेटिंग करने के बाद सिंपल इधर ओके पर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी वीडियो की सेटिंग हो जाएगी। तो आपने फुल एडिटिंग करने के बाद इधर आपने सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और इधर आपके पास दोबारा कंफर्मेशन के लिए इधर आपके पास रेजोल्यूशन आपकी आ जाती है, फ्रेम रेट आ जाता है, आपकी वीडियो का जो साइज बनेगा वो आपके पास आ जाता है, और इसकी ड्यूरेशन आ जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास इधर सेटिंग्स आ जाती है, जैसे आप इसकी सेटिंग को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास इधर मजीद फॉर्मेट आ जाते हैं कि आप इसको किस फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं, जिस भी आप फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो आप इधर से चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब आपने सेटिंग करने के बाद सिंपल आपने इधर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं अपने सिंपल किसी भी मल्टीमीडिया प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए इस आई बटन पर क्लिक करें, जहां पर आपको फिल्मोरा 9 की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, जो कि आपके फिल्मोरा 9 में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल ग्रो अप टेक जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।